वेलकम बैक टू माय चैनल भावना चौधरी व्लॉग्स में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ और मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ, घर का सारा काम कर चुकी हूँ, सारा घर मेरा बिल्कुल साफ है। आज थोड़ा सा लेट भी हो गई मैं थोड़ा सा, क्योंकि आज मैंने जो है ना किचन की टाइल्स वगैरह साफ की हैं, क्योंकि मेरे को ना क्या होता है कि मेरा वो रूल नहीं है कि अगर होली दिवाली है तो ही घर में साफ सफाई होगी, तभी सफाई का अभियान चलेगा। नहीं, मेरे घर में मैं डेली थोड़ा 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 कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। कभी किचन का कर लिया, कभी वॉशरूम कर लिया, कभी रूम कर लिया, कभी अलमीरा कर लिया, कभी बेड कर लिया, कभी कुछ कर लिया, कभी कुछ कर लिया। तो उससे क्या होता है ना कि एकदम से ही आपके घर को सफाई की नीड नहीं होती है और ना ही आप एकदम से करते हो तो आपके ऊपर ज़्यादा बर्डन होता है। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ, आप लोग भी बताइएगा आप लोग कैसे करते हैं। आप लोग भी चलेंगे मेरे साथ तो चलते हैं। मैं चप्पल पहन लेती हूँ पहले, और छिपकली तो नहीं होगी क्योंकि ना मैं क्या करती हूँ, जिस दिन मुझे छत पे जाना होता है ना तो उस दिन मैं इनसे कह देती हूँ कि रोटी खाने से पहले कि आप है ना गेट खोल दो जीने का, तो ये गेट खोल देते हैं और मैं मैं आराम से चली जाती हूँ। अभी तो नहीं है छिपकली, तो चलिए आपको लेके चलती हूँ छत पे। आप देख सकते हैं मेरे कितने कपड़े हैं, ये देखिए नीचे तक हैं, ठीक है, और कुछ छत पे हैं, थोड़े से ही हैं, बाकी मैंने हैंड टू हैंड उतार लिए थे। कुछ ये कपड़े हैं, ये उतार लेती हूँ, ये मेरा टॉवल है। और मैं उतार के ला चुकी हूँ कपड़े, ये रे, और बहुत सारे कपड़े हैं, इनको तय भी लगाना है मुझे, तय लगा के बच्चों के कपड़े बच्चों की अलमारी में, मेरे कपड़े मेरी अलमारी में, इनके कपड़े इनकी अलमारी में, और दो चार कपड़े भी तो बहुत हो रहे हैं ना। अब दो चार दिन में क्या करूँगी ना मैं, भरमार हो रखा कपड़ों का। तो मुझे ना एक दिन ऐसा देखना होगा कि एक दिन जैसे बच्चों की भी छुट्टी हो और इनके पापा की भी छुट्टी हो, बच्चों के एग्ज़ाम्स चालू हो रहे हैं, तो एक दो तो हो ही चुके हैं ओरल, और रिटर्न में जो होने हैं वो 5 तारीख से शुरू हैं, तो बीच बीच में गैप है। तो मैं चाह रही हूँ ना कि मैं बच्चों से, बच्चे घर पे रहें तो मैं जब कपड़ों की तय लगा के बेड में रखूँ अच्छे से, तो मैं उनसे पूछ लूँ कि बेटा ये रख दूँ, तो वो अपना बता देंगे। और इनके पापा से भी पूछ के रखना पड़ता है, क्योंकि क्या होता है ना शाम को ठंड हो जाती है, जैसे कि आप देख रहे हो कि मैं जब मॉर्निंग में ब्लॉग शूट करती हूँ ना तो मैं बिल्कुल ही स्वेटर और शॉल कुछ भी नहीं पहनती हूँ, लेकिन शाम होते होते आप मुझे शॉल में ही देखते हो। तो उसके पापा से पूछना पड़ेगा कि आपके कौन से कपड़े रखने हैं कौन से नहीं, तो ये सब करना पड़ेगा मैनेज। और मैं आ चुकी हूँ अपने फेवरेट कॉर्नर पे, और बच्चों का जो आई टेस्ट होना था वो भी नहीं हो पा रहा है, मैं हॉस्पिटल जा ही नहीं पा रही हूँ क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम सर पे हैं, तो कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। उन्होंने बुलाया था लेकिन मैं ऑलरेडी 2 दिन लेट हूं, तो इनके पापा जाएंगे, उनसे बात करूंगी मैं कि कब लेके जाना है बच्चों को कब नहीं। तो संडे को भी होता है हॉस्पिटल खुला, लेकिन संडे को भी मुझे बहुत काम होते हैं, क्योंकि संडे के दिन जो है ना हमारा कुछ अपना ही पर्सनल काम होते हैं, तो वो करते हैं हम लोग, और देखते हैं क्या करती हूँ मैं। बच्चों का टाइम हो रहा है, बच्चों को लेके आना है, तो पहले बच्चों को ले आती हूँ फिर आपसे मिलवाती हूँ। और मुझे रास्ते में ये भी पूछना है कि साइकिल ठीक हुई या नहीं हुई, तो पूछ लूँगी पहले, तो बच्चों को ले आती हूँ। अंकल हो गई साइकिल, हो गई, अभी आ रही हूँ। अरे फिर वहाँ तो ले जाना ना। हाँ तो वापस ही ले लूँ। हाँ साइकिल लेके, साइकिल लेके। बस कर रखा है मम्मी मैंने। दीदी दीदी कैसे मजा आ रहा है। तो यहाँ मैंने बोल दिया अपनी बेटी को कि आप साइकिल चला के लेके चलो, मैं आपके साथ साथ हूँ, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं बच्चों को मतलब रोड वगैरह पे जाने की परमिशन नहीं देती हूँ साइकिल लेके, तो इसीलिए मैं साथ साथ चल रही थी और पीछे बैठ के मेरा बेटा
जो है वीडियो बना। हम लोग आ चुके हैं घर पे और बच्चों को दे रही हूँ मैं खाना। खाने में डिमांड आई है, यिप्पी खानी है तो यिप्पी बनाऊंगी मैं अभी। और मतलब बन रही बर्तन चढ़ा दिया है मैंने। बच्चे ये रे आते ही लग गए टीवी में, ये रहो। तो अभी ये फिलहाल टीवी देखेंगे। और मैंने ना पर्दे लगा दिए करके क्योंकि ना अच्छे लग रहे हैं, हवा चल रही है और मेरा सर जो है गीला, और तो मैंने तो पर्दे लगा दिए सारे। और मैं बनाने जा रही हूँ यिप्पी मैगी। तो अब लंच करके बारी थी जो मैं कपड़े लेके आई थी छत के ऊपर से, वो मुझे तय लगाने थे। तो जो मेरे कपड़े हैं मैं उनको तय लगा के अलग कर रही हूँ, और जो इनके कपड़े हैं वो मैं इनके कपड़े अलग तय कर रही हूँ। और एक साथ तय लगने के बाद फिर मैं इनको जो है अलमीरा में अरेंज करके रख दूँगी। तो फटाफट ये काम करती हूँ ना तो फिर ऐसा लगता है कि और भी कोई काम है करने को। फिर बच्चों के जो कपड़े होते हैं ना वो मैं बाद में ही करती, क्योंकि छोटे छोटे कपड़े होते हैं ना तो मिस हो जाते हैं, तो इसीलिए ना मैं इनके कपड़े जो है लास्ट में ही करती हूँ। और बेटे के अलग और पैंट्स अलग, टी शर्ट्स अलग, इनको ऐसे अलग अलग करके रखती हूँ। और इससे क्या होता है ना, मतलब मुझे पता चल जाता है कि बेटी की मतलब खाने में कौन सा कपड़ा रखना है और बेटे के खाने में कौन सा रखना है, तो ऐसे मुझे पता चल जाता है। तो मैं बच्चों के कपड़े रखने लगी हूँ। इन्होंने अपनी अलमारी ना बिल्कुल बेकार की हुई है, तो अभी कुछ टाइम बाद मैं इसको ठीक करूँगी। जब सारे कपड़ों को रखूँगी गर्म कपड़ों को बैग में, तब मैं इनको अच्छे से अलमारी को साफ़ करके जब अच्छे से लगाऊँ। तो फिर बारी थी इनकी अलमीरा की, तो इनके कपड़े जो थे लगे हुए थे वो मैंने अलमीरा में रख दिए, और इनका हैंगी वगैरह जो है इनके बकेट में रख दिए। तो मैं अभी कपड़ों को तय लगा के और आई हूँ किचन में। किचन में मैं चाय बनाऊंगी क्योंकि इसके पापा आ चुके हैं, तो मैं चाय बनाने की तैयारी करती हूँ। चाय पियेंगे। तो फ्रेंड्स अभी हो रही है शाम, शाम के बज रहे हैं 7 बज गए, और मैंने अभी तक कोई खाना नहीं बनाया, सब्जी नहीं बनाई है क्योंकि कुछ बता ही नहीं रहे क्या बनाना है। बताएंगे तो फटाफट बन जाएगा, ऐसा नहीं है एक घंटे में मैं खाना तैयार कर लेती हूँ। लेकिन अभी मुझे कुछ सामान लेने जाना है, जैसे कि बच्चों को सैंडविच के लिए कह रहे हैं, कई दिन से सैंडविच खाना है, तो घर में चीज़ ख़त्म हो गया और पिज़्ज़ा टॉपिंग जो होता है वो ख़त्म हो गया है, तो मुझे वो लेके आना है। और आपको भी लेके चलती हूँ, आप भी चलिए, गोलगप्पे भी खाए आऊँगी, इनको पता नहीं है लेकिन खाए आऊँगी। चलिए यहाँ क्यों रोक रहे हो? कौन? हाँ अजीब ही। नमस्ते अंकल, कैसे हो? चीज़ वगैरह मिल जाएगा? मेयोनीज और पिज़्ज़ा टॉपिंग मिल जाएगा? कैसी स्मेल आ रही है मुझे? कहाँ है? ये रहे खोलना। लेकिन मुझे पाउच वाला चाहिए। पाउच वाला नहीं है? पाउच वाला नहीं है क्या आपके पास? तो हमें नहीं मिला वहाँ पे, हमें तो कहीं और से लेना पड़ेगा, वहाँ पे नहीं है अवेलेबल। नहीं नहीं ये वो है नहीं अंकल। मिल गए पाउच में, कहा था मैंने उनको, कह रहे हैंगे ऊपर चले जाओ। कहाँ है? कहीं भी नहीं दिख रहे, सब ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ
यहाँ भूकंप आया था, उजड़ गया सब कुछ। चीज अभी भी नहीं मिला है, चीज नीचे जाकर देते हैं, हमने दिया है ये दोनों और चीज कहीं नहीं मिला, चीज नीचे पूछते हैं। क्या ले रहे हो भाई? भाई मूली और दे देना, एक मेरे को दे दो, आधा किलो दे दो, आधा किलो, एक ही वो आधा किलो चढ़ेगा। अरे आधा किलो में दो चढ़ेगी, वो अभी से चढ़ा देंगे ना। आधा किलो ये पतली पतली चढ़ा देना। आधा किलो बोला भाई जी, आधा किलो, आधा किलो, आधा किलो, नहीं आधा किलो ही कह रहे हैं। मैंने आधा किलो बोला, आपने ना सुनी हो तो मैं बताओ क्या करूं। हमारी गली में किसी की शादी है, डेकोरेशन हो रखी है, चलिए हम घर चलते हैं। तो मेरा खाना हो चुका है रेडी, डिनर रेडी है, और इन्होंने बोला था प्याज और मूली काट लो, मैंने प्याज और मूली भी काट लिया है। इससे पहले मुझे करना है कुछ काम, निकलना है मॉर्निंग 4 AM कहीं निकलना है, आपको पता चलेगा कल के ब्लॉग में, मीन्स हाँ कल के ब्लॉग में, आपके लिए भी कल होगा, मेरे लिए भी कल ही होगा, आपको पता चलेगा कल के ब्लॉग में। तो मैं पैकिंग कर लेती हूँ, मुझे कुछ कपड़े पैक करने हैं। और यहाँ पे देखिए ये बच्चा आ चुका है खेलने के लिए, पता नहीं क्या ढूंढ रहा है। क्या ढूंढ रहे हो? कुछ भी नहीं है बेटा, पॉपेट नहीं है, ये बस खेल लिया। क्या हो गया? हाँ क्या हुआ? बस आके बैठ गया। तो मेरे घर में बच्चे ऐसे ही खेलते रहते हैं, अपनी मर्जी से आते हैं, अपनी मर्जी से चले जाते हैं। तो मैं अभी कपड़े पैक कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो गाइस मेरी ना पैकिंग हो चुकी है, मुझे कल सुबह 4 बजे निकलना है। मुझे बच्चों को और मेरी बाकी की फैमिली, हस्बैंड नहीं जा रहे हैं क्योंकि उनका ऑफिस होता है, कल की छुट्टी नहीं है और छुट्टी ले भी नहीं सकते हैं, क्योंकि आपको याद होगा इनको चोट लगी थी पैर में, तो उस दौरान इन्होंने छुट्टियां ले ली थी, तो अभी नहीं ले सकते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, लेकिन मेरे को जाना पड़ेगा, बहुत अर्जेंट है, जाऊंगी। और ऐसा नहीं है कि बहुत दिन बाद आऊंगी, कल जाऊंगी मॉर्निंग में और कल ही वापस आ जाऊंगी 4-5 घंटे में, यानी कि 10-11 बजे तक हम लोग अपने घर आ जाएंगे और कुछ पूजा पाठ है वो करेंगे। खाना भी खा लिया हमने, सबने खा लिया, बच्चे भी खा चुके, फिट है, टीवी देख रहे हैं थोड़ी देर, क्योंकि मेरे को अभी धोने हैं बर्तन। और मैंने जो ये वस्त्र धारण करे हुए ना सुबह से, दिखाइए दिखाइए नीचे से ऊपर तक, इनको मुझे उतारना है, क्योंकि आज मैं पूरा दिन परेशान हो गई, सिर्फ और सिर्फ इसको पुराना करने के चक्कर में ना मैं पूरा दिन ये चुभता रहा है मेरी बाजू में, इसमें लेज लगी हुई है देखिए, तो ये अंदर से मेरे चुभ रही है। तो मैं यही करती हूँ अपने ब्लॉग का एंड, और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाय।